नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है पोरबंदर गुजरात से कोचीवली केरला तक चलने वाली पोरबंदर कोचीवली वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है पोरबंदर कोचीवली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि अब नए अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पोरबंदर कोचीवली वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 20910 और ये ICF कोचेस वाली ट्रेन है। पोरबंदर गुजरात से हर थर्सडे को ये ट्रेन जो है शाम के 6:40 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 44:20 बाद कोचीवली में दोपहर के 3 बजे ये पहुँचती है शनिवार को। इसके तकरीबन 31 स्टेशन हैं और ये जो ट्रेन है इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 54 किलोमीटर पर आवर और टोटल डिस्टेंस कवर करती है 2654 किलोमीटर का। ये तो आगे बात करते हैं इसके रूट मैप की। तो ये जो ट्रेन है पोरबंदर गुजरात से स्टार्ट होती है, फिर जामनगर राजकोट होते हुए ये अहमदाबाद जंक्शन में पहुंचती है। अहमदाबाद जंक्शन के बाद वडोदरा सूरत पनवेल जंक्शन मडगांव जंक्शन गोवा बेंगलुरु जंक्शन होते हुए ट्रेन जो है कोझीकोडे में पहुँचती है। फिर अरनाकुलम कायमकुलम जंक्शन होते हुए ये ट्रेन जो है कोचीवली में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो पोरबंदर कोचीवली एक्सप्रेस में सेकंड एसी थर्ड एसी स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो पोरबंदर से कोचीवली तक का होगा। आपको कोचेज वाइज किराया डिस्कस करेंगे आगे, जो कि पोरबंदर से कोचीवली तक का किराया लेटेस्ट अपडेट किराया मैं आपको बताऊंगा। सेकंड एसी का अगर बात करें तो सेकंड एसी के इसमें 2 कोच हैं, जिसका पोरबंदर से कोचीवली तक का टोटल किराया 3465 रुपये है, जिसमें 3205 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 165 रुपये है, टोटल किराया 3465 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। बाकी इसमें थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी के तकरीबन इस ट्रेन में 6 कोच हैं, जिसका टोटल टिकट किराया जो बनता है वो है 2380 रुपये, जिसमें 2181 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 114 रुपये है, टोटल किराया 2380 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है। इसके अलावा स्लीपर क्लास के इसमें तकरीबन 9 कोच हैं, जिसका पोरबंदर से कोचीवली तक का टोटल किराया 920 रुपये है, जिसमें 870 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपये है, टोटल किराया 920 रुपये बनता है पोरबंदर से कोचीवली तक का स्लीपर क्लास का। बाकी इसमें जनरल डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बों की अगर बात करें तो तीन जनरल डिब्बे हैं, 2 जनरल डिब्बे इंजन की तरफ लगाए गए हैं और एक ट्रेन के पीछे की तरफ, जिसका टिकट किराया लगभग 490 रुपये के करीब है, जो कि पोरबंदर से कोचीवली तक का बता रहा हूँ। फिर भी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहाँ से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। पेंट्री कार के कोच से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, आपको ट्रेन के अंदर ही जो है चार्जेस देने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं पोरबंदर कोचीवली एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। पोरबंदर कोचीवली वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है, जिसका ट्रेन नंबर है 20910, पोरबंदर गुजरात से हर थर्सडे को ये ट्रेन जो है शाम के 6:40 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 44 घंटे 20 मिनट बाद ये ट्रेन जो है कोचीवली केरला में पहुंचती है। इसके तकरीबन 31 स्टेशन हैं, 2653 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है, एवरेज स्पीड जो है 54 किलोमीटर पर आवर है। जो दूसरा स्टेशन है वो है वंश जलिया जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन जो है शाम के 7:02 पर पहुँचती है और 7:03 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। जामनगर में ये ट्रेन जो है रात के 9:02 पर पहुंचती है और 9:07 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 128 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद हापा रेलवे स्टेशन गुजरात में ट्रेन जो है रात के 9:19 पर पहुँचती है और 9:21 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 137 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है हापा HAPA। इसके बाद पोरबंदर कोचीवली वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है राजकोट जंक्शन गुजरात में रात के 10:50 पर पहुँचती है और 10:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 213 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है RJT।
इसके बाद ये ट्रेन जो है सुरेंद्र नगर जंक्शन गुजरात में रात के 12:40 के करीब पहुंचती है और 12:41 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 330 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद पोरबंदर कोचीवली वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है विरंगम जंक्शन गुजरात में रात के 1:45 पर पहुँचती है और 1:47 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 394 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद पोरबंदर कोचीवली वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है अहमदाबाद जंक्शन में रात के 3:05 पर पहुँचती है और 3:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 460 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। आनंद जंक्शन गुजरात में ट्रेन जो है सुबह 4:13 पर पहुँचती है और 4:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। मुंबई सेंट्रल हापा इसी दुरंतो एक्सप्रेस के साथ इसकी यहाँ पर शुक्रवार को क्रॉसिंग होती है। वडोदरा जंक्शन गुजरात में सुबह 5:01 पर पहुँचती है और 5:11 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 560 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है BRC। इसके बाद पोरबंदर कोचीवली वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है अखिलेश्वर जंक्शन गुजरात में सुबह 6:09 पर पहुंचती है और 6:11 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 640 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। अखिलेश्वर जंक्शन के बाद सूरत रेलवे स्टेशन गुजरात में सुबह 6:57 पर पहुँचती है और 7:02 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 690 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। पालघर महाराष्ट्र में ट्रेन जो है ये ट्रेन सुबह 9:17 पर पहुंचती है और 9:19 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। 865 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। वसई रोड महाराष्ट्र में सुबह 10:00 पहुंचती है और 10:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 905 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है BSR। इसके बाद मुंबई के पास के स्टेशन पनवेल जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 11:25 पर पहुंचती है और 11:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 968 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है PNVL। इसके बाद पोरबंदर कोचीवली वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है रत्नागिरी रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में पहुंचती है दोपहर के 3:50 पर और 3:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1324 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। कोचीवली भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस के साथ इसकी यहाँ पर क्रॉसिंग होती है। इसके बाद गोवा के मडगांव जंक्शन में रात के 9:15 पर पहुँचती है और 9:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1632 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है MAO। इसके बाद पोरबंदर कोचीवली वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है करवर रेलवे स्टेशन कर्नाटका में रात के 10:20 पर पहुँचती है और 10:22 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1708 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है KAWR। उड़पी रेलवे स्टेशन कर्नाटका में रात के 1:10 पर पहुँचती है और 1:12 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1968 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। मेंगलुरु जंक्शन कर्नाटका में रात के 3:00 पहुँचती है और 3:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 2040 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। कसरागौड़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जो है रात के 3:50 के करीब पहुँचती है और 3:50 पर ही वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 2088 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है KGQ। इसके बाद पोरबंदर से कोचीवली तक चलने वाली पोरबंदर कोचीवली एक्सप्रेस ट्रेन जो है केरला के कन्नूर रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 4:57 पर पहुँचती है और 5 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 2174 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। कोझिकोड मेन में ट्रेन जो है सुबह 6:15 पर पहुँचती है और 6:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 2264 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। तिरूर रेलवे स्टेशन पर सुबह 6:58 पर पहुँचती है और 7 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है।
इसके बाद शोरानूर जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 7:55 पर पहुंचती है और 8 बजे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 2350 किलोमीटर की दूरी जो है ये पोरबंदर से शोरानूर जंक्शन तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है त्रिशूर रेलवे स्टेशन केरला में सुबह 9:02 पर पहुंचती है और 9:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। अर्नाड एक्सप्रेस के साथ इसके यहाँ पर क्रॉसिंग होती है और 2380 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद पोरबंदर कोचीवली वीकली एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अर्नाकुलम जंक्शन केरला में सुबह 10:25 पर पहुँचती है और 10:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 2455 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। अपने अगले स्टेशन अलाफुजा रेलवे स्टेशन पर सुबह 11:27 पर पहुँचती है और 11:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 2511 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद कायमकुलम जंक्शन केरला में ट्रेन जो है दोपहर के 12:10 पर पहुंचती है और 12:12 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 2555 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। कोलम जंक्शन केरला में दोपहर के 12:57 पर पहुँचती है और 1 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और यहाँ तक की जो दूरी है ये ट्रेन 2595 किलोमीटर के करीब ये यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद पोरबंदर कोचीवली वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने आखिरी स्टेशन कोचीवली केरला में दोपहर के 3 बजे पहुंचती है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो टोटल जर्नी है 2654 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ पोरबंदर कोचीवली वीकली एक्सप्रेस ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।